आज की क्लास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का असाइनमेंट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है विथ हाइपर लिंकिंग, हाइपर लिंक भी क्रिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है हाइपर लिंक को क्रिएट करना। सबसे पहले हम एक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे और प्रेजेंटेशन में हमको ब्लैंक स्लाइड लाना है। मान लीजिए हाइपर लिंकिंग हमको करनी है तो ब्लैंक स्लाइड या यहीं पर हम हाइपरलिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक करने के काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं calc.exe से मैं इसको लिंक करना चाहता हूं, ठीक है। तो लिंकिंग दो टाइप की यहां पर उपलब्ध है आपके पास। इंसर्ट के अंदर आपको लिंक टैब मिलेगा, यहां पर हाइपरलिंक और एक्शन दिख रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रन प्रोग्राम या हाइपरलिंक, ठीक है, दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, पहले हम रन प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पर हमको जिस प्रोग्राम को रन करना है उसको हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम 32 नाम का जो फोल्डर है, ये आपको दिख रहा होगा सिस्टम 32, इसके अंदर सारे इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं और आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिंक कर दिया है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोकेशन ये ले लिया है यहाँ पर, और लोकेशन में आपको exe फाइल दिख रही है। अगर ये लोकेशन आप एक्सटर्नल लेना चाहते हैं तो एक्सटर्नल भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना होगा आके यहाँ पर, और आप लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। नेक्स्ट टाइम पर जब इसे रन करते हैं आप स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग से आप यहाँ पर रन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ परमिशन मांगते ही आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग या एक्शन के अंदर आता है। सेम अगर आप हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ पर इंसर्ट में या होम में जा कर के 2-3 स्लाइड्स ऐड कर लीजिए। और पहली स्लाइड में मैं लिख देता हूँ 1, ताकि मुझे स्लाइड्स अलग अलग है ये पता चले। सेकंड स्लाइड में हम लिखेंगे 2 और थर्ड स्लाइड में हम लिखेंगे 3, ठीक है। तो ये तीनों स्लाइड हो गई हमारी 1, 2 और 3। मैं चाहता हूँ कि पहली स्लाइड पर क्लिक करते ही लास्ट स्लाइड से लिंक हो जाए। पहली स्लाइड और लास्ट स्लाइड क्या हो जाए, लिंक हो जाए। तो यहाँ पर मैं हाइपर लिंक लगाऊंगा। हाइपरलिंक लगाने के लिए मैं सीधा यहाँ पर लास्ट लिख देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पर हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक में आप चाहे तो कोई डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर यहाँ पर एक्शन में जाकर भी आप हाइपरलिंक कर सकते हैं, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर हाइपरलिंक कर रहा हूँ लास्ट स्लाइड, क्लियर है। रन करते ही देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब मैं रन करूँगा तो अगर आप कहीं और क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर आएगा, और इस पर क्लिक करते ही लास्ट स्लाइड आ जाएगी जो कि 3 नंबर की थी, क्लियर है। ऐसे ही आप हाइपर लिंक में कोई डॉक्यूमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा, इसको सेलेक्ट किया और हाइपर लिंक में हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप कोई डॉक्यूमेंट जैसे कुछ नोट्स वगैरह ओपन करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, और उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ लिंक कर दिया है। जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको हाइपर लिंक कहते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो स्लाइड बनाई है उसमें हमने हाइपर लिंक जो है वो क्रिएट किया है, और वो ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट के अंदर। और दो टाइप के हाइपर लिंकिंग या लिंकिंग आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगी।